Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29A, Electronic Record, Section 2. Cyber stalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyber stalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीगाबाइट का H1 बोर्ड आया है, GA H61m-H1। आप देख सकते हैं क्लियरली। और यहाँ पे ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिलहाल तो नो डिस्प्ले था। और यहाँ पे एक IC, ये जो लैन IC है ये बहुत गर्म हो रहा है। और ये जो MOSFET है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक MOSFET है जो कि ओल्ड मॉडल का है, ये भी काफी गर्म हो रहा है। तो हम इसको आज रिपेयर करने वाले आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले हम ये जो आईसी है इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। और थोड़ा सा टाइम आपको जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब इधर उधर मत जाइए और ये टाइम इधर मेरे साथ बिताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको टच करके रखूंगा और यहाँ पे ये तो मीटर आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 34.8 डिग्री में फिक्स है और मैं इसको यहाँ पे लगा के रखा हूँ। तो ऑटोमेटिक जब पावर ऑन करूंगा तो SMPS भी चालू नहीं होगा, तब भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो देखिए मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले ऑन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ का जो वोल्टेज है, ये जो MOSFET है यहाँ का कितना वोल्टेज अभी आ रहा है आप देखिए। तो मल्टीमीटर को भी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं नेगेटिव में लगा रहा हूँ और ये देखिए 0 वोल्टेज। तो जब मैं ऑन करूंगा इसको तो यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये देखिए 3.34 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो अभी ये गर्म होना शुरू हो गया है और यहाँ पे अगर मैं रखूंगा इसको तो ये 34.6 से बढ़ के ये ज्यादा हो जाएंगे। देखिए तुरंत ये 35.2 हो चुका है। और आप लोगों को तो मैं हाथ में पकड़ के मैसेज करने का मतलब महसूस करने का आपको मौका नहीं दे सकता, मतलब आप लोग तो बाहर है मतलब वीडियो में देख रहे हैं, तो आप लोग कैसे टेस्ट करेंगे, कॉन्फर्म करेंगे कैसे। तो ये देखिए 36.9 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जितना सारा लोग है वो सब लोग ऐसे महसूस कर चुका है कि कितना गर्म हो चुका है। तो ये देखिए 38.4 हो चुका है और भी बढ़ेंगे ये टेम्परेचर। देखिए 39.8 हो चुका है, मतलब ये बहुत ही टेम्परेचर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हाथ को आप मतलब उंगली को ऐसे टच भी नहीं कर सकते, इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे, तो ये तो मैं आप लोगों को दिखा दिया कि बहुत गर्म हो रहा है ये आईसी। तो ये हो सकता है बिजली गिरने के कारण ये लैन आईसी आपका शॉर्ट हो चुका है। तो ये फिलहाल अभी इसको हम ओपन कर देंगे। ये जो देख सकते हैं आप ब्लैक वाला है ये कैपेसिटर जैसा, तो ये एक कॉइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो ये जो है इसका एक कॉइल है जिसमें से सप्लाई ये लैन आईसी में जाता है। तो ये रियल टेक लैन आईसी है, तो हम इसको बंद करके इसको ओपन करेंगे, मतलब बोर्ड से डी अटैच करेंगे, ठीक है। देखिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर चुका हूं और अभी थोड़ी देर के बाद जब ठंडा हो जाएंगे ये, तो हम इसको फिर से टेस्ट करेंगे, वही टेस्ट टेम्परेचर टेस्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो वायर है उसको राइट करेंगे, क्योंकि बाकी सारा जगह जो है वो उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले मेरे को कंफर्म करना होगा कि कस्टमर ये बोर्ड रिपेयर करवाएगा कि नहीं करवाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता हूं, अगर वो नहीं करवाता है तभी मैं इसको रिपेयर करूंगा, उसके बाद फिर से उसको जैसे था वैसे कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए तब तक आप लोग वेट कर लीजिए, और तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट फुटेज में आप देखेंगे कि काम हो रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसमें तब भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, तब भी मैं इसको अगर लगा रहा हूं तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम इसको ओपन कर देंगे, ये जो लैन आईसी है इसको ओपन कर देंगे और ये बोर्ड को जिंदा करना है, तो इसीलिए इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद चेक करेंगे,
ये ओपन करके मैंने नया आईसी को, और इसको चेंज भी नहीं करूंगा और उसकी जरूरत नहीं है, मतलब दूसरा आईसी लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये मोस्फेट भी गर्म हो रहा था उसके साथ साथ, और वो ज्यादा गर्म हो रहा था इसीलिए उसको मैंने डिटेक्ट किया, वही खराब है। तो गाइस एक फोन की वजह से इंटरनेट हो चुका था वीडियो रिकॉर्डिंग, तो अब दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। और ये जो यहाँ पे शॉर्ट था वो तो मैं निकाल दिया, ये आईसी को निकाल दिया, लैन आईसी जो था पहले इसका सप्लाई निकाला था, अभी ये जो सप्लाई था ये कॉइल निकालने के बाद तब भी ये इसमें शॉर्ट हो रहा था, इसकी वजह से ये ओवर हीट हो रहा था। तो अभी इसको फिर से चेक करेंगे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 33.8 आ रहा है, और अभी मैं इसका जो सप्लाई है उसको ऑन कर रहा हूँ, और ऑन करने के बाद फिर से आपको एक बार वोल्टेज को चेक करके दिखा दूंगा, और दिखाने के बाद आपको टेम्परेचर को चेक करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए मेरा मल्टीमीटर, अभी यहाँ पे मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर, तब देखिए ये देखिए 3.45 वोल्टेज आ रहा है। तो अभी हम इसका जो ये इसको चेक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे नॉर्मली या तो फिर यहाँ पे रखेंगे, आपको कैसे चेक करें, यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं आप, लेकिन संभल के दूसरी जगह पे टार्च अगर हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, मतलब इसकी वजह से ये हो रहा था गर्म, और इसका जो ऑडियो आईसी है ये भी गर्म हो रहा था, मतलब ये जो मोस्फेट है ये भी गर्म हो रहा था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब इसका जो बायस है इसको करेंगे, तो बायस करने के लिए बायस का जो चिप है इसको पहले आपको ओपन करना है, ये भी बहुत गर्म हो रहा था बायोस भी, इसकी वजह से ये ड्राई हो चुका है काफी, तो इसीलिए टाइम लग रहा है पंखा बंद होने। तो इसको अभी हम रीलोड करेंगे इरेज करके, और बायोस का जो चिप है वो मैं जो निकाला मदरबोर्ड से उसको अब इस तरीके से आप लगा दीजिए, देखिए बायोस का जो पॉइंट है नॉइस पॉइंट्स उसको आप देखिएगा, और ऐसे लगाते वक्त आपको वो नॉइस पॉइंट्स आपको नीचे की तरफ रखना होता है, ऐसे देखिए ये सिंपल तरीका है, और इसको ऐसे प्रेस करना होगा एक हाथ से, और प्रेस करने के बाद ये ऐसे ये जब लग जाएंगे तब आप इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, काफी सारा बायोस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, और ये देखिए ये जो है इसको पहले आपको ऐसे कर लेना होगा, आईसी जो है ये नीचे की तरफ होंगे, और यहाँ पे आप जो डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज पॉइंट, ये जो गोल धब्बा है तो ये नोज पॉइंट है, ये बड़ा वाला जो है ये 16 पिन के लिए है, और ये छोटा वाला जो है ये 8 पिन के लिए है, तो 8 पिन जो है तो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे ऐसे, लेकिन अभी नहीं लगेगा, आपको ये लॉक ओपन करना होगा, और करने के बाद आपको ऐसे लगाना होगा, लगाने के बाद आपको ये जो लॉक है फिर से लगाना होगा, और इधर लॉक लगने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो अब सिस्टम की तरफ देखिए, और मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करके ये जो सॉफ्टवेयर है इसको पहले कॉपी करके साइड में रखूंगा, और रखने के बाद आपको दूसरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करके उधर मदरबोर्ड में लगा के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद ये काफी टाइम लगता है थोड़ा सा, तो ये देखिए ये RT809 प्रोग्रामर ओपन हो रहा है। तो ये ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो लाइट है ये ब्लिंक करेगा स्टेटस लाइट, और यहाँ पे हम लोग जो स्मार्ट आइडेंटिटी है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, स्मार्ट आइडेंटिटी जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो बायस का चिप है उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आया है W25Q32 का चिप है, चिप का जो प्रिंटिंग नंबर है ये मैन्युफैक्चरर है विंडवॉन्ड, ये विंडवॉन्ड का चिप है, तो इसके ऊपर जो नंबर है उसको आपको चूज करना है, 8K bit OTP है, और उसके बाद है 25Q32, तो हम उसमें ही रखेंगे और उसको रीड करेंगे। यहाँ देखिए रीड का जो ऑप्शन है यहाँ से रीड करेंगे, रीड करने के बाद
ये ऑटोमेटिक रीड हो जाएंगे। रीड होने के बाद इसको सेव करना होता है, तो हम इसको सेव भी करेंगे। तो इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट से हम सेव कर लेते हैं इसको, और इसके बाद ये जो है इसको इरेज कर देंगे चिप को। तो ये इरेज हो चुका है, और अब जो मेन सॉफ्टवेयर है बायोस का, आप ऑनलाइन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर ना है, मतलब अगर स्टॉक नहीं है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी साइट से। और इसको आपको एक्स्ट्रा करना होता है, तो वो काफी दिक्कत वाली काम है। तो यहाँ पे देखिए Gigabyte मैंने ओपन करके रखा हूँ, तो ये बायोस का जो मेरा मेन फाइल है इसमें है। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे Gigabyte जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये 61 का बोर्ड जो है ये है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको राइट करेंगे, कैसे राइट करें, सिंपली जो राइट ऑप्शन है इसको हम दबाएंगे क्लिक, और ये राइट हो जाएंगे। तो ये देखिए राइट शुरू हो चुका है, और ये बहुत ही जल्द राइट हो जाएंगे। और राइट होने के बाद इसको हम मदरबोर्ड पे लगा के चेक करके देखेंगे। और ये जो राइटिंग हो रहा है, राइटिंग होने के बाद वेरीफाई होना जरूरी है। ये देखिए ऑटो वेरीफाइंग जो हो रहा है, ये होना जरूरी है। अगर ये वेरीफाइंग होने बहुत ही वक्त अगर फेल हो रहा है, तो आपको जो ये जो चिप है, आपको इसको बदलना है। बायोस का जो चिप है इसको आपको बदलना है, ठीक है। तो ये देखिए सक्सेसफुली राइट तो हो चुका है, अब हम इसको लगा के वहां पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो बायोस हमने राइट किया उसको लगाएंगे फिर से, और देखिए ये ओपन भी सेम तरीके से करते हैं ये। ऐसे इसको प्रेस करना होगा एक हाथ से, और एक ट्वीज़र से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद इसको फिर से जिस साइड में इसका फ्रंट साइड है उस साइड में इसको ऐसे फिक्स कीजिए, उसके बाद इसको सोल्डरिंग करके लगा दीजिए। लगाने के लिए आप इसको ग्लू वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आयरन, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करके इसको लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको देखना होगा कि ये बराबर कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये सब देखने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, और शॉर्ट तो हट चुका है, आपको दिखा दिया वो इंटरनली शॉर्ट था। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मेरा SMPS भी है, आप देख सकते हैं, और वो भी मैं लगा के रखा हूँ। तो सिर्फ इसका VGA केबल लगा के मैं चेक करूंगा कि डिस्प्ले बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैं पावर ऑन किया, और अब इसको फिर से ऑन करेंगे। तो देखिए ये SMPS का पंखा ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड की ये डिस्प्ले की तरफ देखिए, ये देखिए Gigabyte का EUE5 BIOS आ चुका है। और यहाँ पे ये फैन भी घूम रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अगर बंद कर दूंगा तो उधर डिस्प्ले भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये बंद, और इधर ये फैन भी बंद हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बायोस को राइट करना भी बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को दिखा दिया। और इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जैसे उसको बायोस का जो मेन फाइल होता है EXE फाइल, उसको आप कैसे एक्स्ट्रा करके विन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा वीडियो। तो फिलहाल ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हैं कि ये लैन IC को लगाएंगे, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मत लगाओ, क्योंकि लैन IC का जो प्राइस है वो लगभग मार्केट में यहाँ पे मिलता है 120 से 180 रुपया, लेकिन 120 रुपये में मेरा USB LAN आ जाते हैं, तो क्यों लगाएंगे इसको दोबारा।
ठीक है, और दोबारा लगाते वक्त अगर आपका आईसी, जो आईसी आपने खरीद के लाया है, वो आईसी अगर फॉल्टी निकला तब भी आपका ही बर्बाद है पैसों का। तो एक मदरबोर्ड रिपेयर करके आपको कम से कम 400 या तो फिर 500 मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर आपका 400-500 खर्चा ही हो जाएंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ये सलाह भी कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, लव यू।